क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने रियल कोएफिशिएंट और रियल रूट्स ही देखे थे। यहां पर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रियल कोएफिशिएंट होंगे और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट जब हो सकते हैं क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन और रिजल्ट दिखा दूं। एक रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आप एफ एक्स को लिखें ए जीरो प्लस ए वन एक्स इस तरीके से ए एन एक्स टू द पावर एन, तो यहां पर ए जीरो ए वन ये सारे रियल नंबर्स हैं और एक्स इसमें वेरिएबल है, तो इसको हम कहते हैं रियल पॉलिनोमियल। ये हो गया रियल पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल एक्स है और रियल कोएफिशिएंट है। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये एग्जांपल हो गया। अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होंगे, सेम चीज, ये सेम चीज होगी ए जीरो ए वन ए टू इसी तरीके से होगा। इसको हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल तब कहेंगे, बिल्कुल सेम चीज ये है, इसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट होंगे। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस सेवन आई एक्स प्लस नाइन आई माइनस थ्री, तो ये तो रियल कोएफिशिएंट थे जब हमने रियल पॉलिनोमियल की बात करी। जब हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ये जो ए जीरो ए वन सेम चीज यहीं पे आप मान लीजिए कि हम मैंने सेम लिखा हुआ है, और ये जो चीज है इसमें ए जीरो ए वन ए एन ये होंगे टू माइनस थ्री प्लस सेवन आई और नाइन आई माइनस थ्री, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो कोएफिशिएंट्स है ए जीरो ए वन ए एन तक ये कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है। तो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, अब मैं जैसे इसी की डिग्री निकालने चलूं तो डिग्री क्या होगी इसकी, इसकी डिग्री है जो हाईएस्ट पावर एक्स की है, कितनी है टू, राइट, ये टू है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इसको टू एक्स टू द पावर फाइव कर देता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी पांच, यानी कि जो पॉलिनोमियल है रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो इसकी डिग्री जो होती है वो डिग्री होगी इस ए एन की, मतलब एक्स टू द पावर एन, ये एन जो है ना हाईएस्ट पावर जो होगा, तो जो पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री की इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आप ये जो मैंने टू एक्स स्क्वायर कर रखा था यार, ये चीज देखिए, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री है टू, इसकी डिग्री है टू। और जब आप इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर आप उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, जैसे डिग्री तीन हो गई, डिग्री तीन हो गई या चार हो गई, इसको हम जैसे तीन है तो इसको हम क्यूबिक कह सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको टू एक्स क्यूब प्लस थ्री वाई थ्री थ्री लिख दूं तो अब इसकी हाईएस्ट पावर हो गई थ्री, तो इसको हम कहने लगेंगे क्यूबिक। जब टू पावर है तो हमने कहा इसको क्वाड्रेटिक। जब चार हो गया, मान लीजिए टू एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, अब हाईएस्ट पावर हो गई फोर, तो इसका मतलब ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक, इसको हम बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक। उसके आगे ये सारों को हम एक साथ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ चीजें इसमें बार बार यूज होती है जैसे स्क्वायर पावर है, क्यूब पावर है, चार की पावर है, इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं। एक हो गया क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक वाला हो गया, तीन क्यूबिक वाला हो गया, और चार हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हुई फिर, यदि एफ एक्स आपका, हम पॉलिनोमियल समझ गए ना, एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है, तो जब आप एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिख देंगे इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन आ गया है। यानी अगर कोई भी एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए और एफ एक्स इक्वल टू जीरो करिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, पावर है इसका टू है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे हमने इसको जीरो कर दिया तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पर इक्वेशन आ गई। अब इसमें ध्यान रखिएगा ये ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो होते ही ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ये टर्म हट जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही है। अब रूट्स कैसे निकालेंगे इक्वेशन के, जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि एक्स ऐसी वैल्यू रख दें इसमें जिससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाकई में जीरो हो जाए, तो उन वैल्यूज एक्स को हम कहते हैं रूट, किसी भी इक्वेशन को, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, जो भी हो।
तो अगर x इक्वल टू अल्फा है और आप कहें कि ये रूट है इस इक्वेशन का, जैसे एफ एक्स इक्वल टू जीरो का ये रूट है, इसका सीधा मतलब है एफ अल्फा इक्वल टू जीरो, जब x की जगह आप अल्फा रखेंगे तो ये जीरो होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगर मैं कहूं x इक्वल टू वन इसका रूट है तो ये रूट होगा, क्यों? आप वन रख के देखिए, ये होगा वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स, माइनस माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व हो गया, माइनस ट्वेल्व प्लस वन माइनस इलेवन, माइनस इलेवन और इलेवन जीरो हो गया, तो यहां पर ये इसका रूट आ गया। इसी तरीके से अगर आप कहें भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो ये अगर है इक्वेशन तो आप कहेंगे एक्स इक्वल टू ओमेगा इसका रूट है, ओमेगा स्क्वायर रूट है। आपको अगर आइडिया हो ओमेगा क्या होता है तो आप जान पाएंगे कि ये इसका रूट है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? एक सॉल्यूशन सेट, जितने भी रूट्स होंगे इस इक्वेशन के किसी डोमेन में उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। जैसे जो इक्वेशन मैंने यहां लिखी है, ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स, इसमें हमने कहा एक्स इक्वल टू वन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप देखेंगे एक्स इक्वल टू टू भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स इक्वल टू थ्री भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब टू रखने पर भी जीरो आएगा, थ्री रखने पर भी जीरो आएगा। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो ऐसे बनेगा, वन टू और थ्री, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। यानी एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम उसका सॉल्यूशन सेट निकाल रहे हैं। यानी जब हम सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन का, इसका मतलब यह है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इट्स ऑल रूट्स, यानी हम वो तरीका अपना रहे हैं जो इसके रूट्स निकाल के देगा हमें। ऐसी एक चीज है आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी एक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी हो और एक वेरिएबल हो, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो जितने भी वैल्यू होंगे इट इज सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। मैं इसको समझाता हूं कैसे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो इसको हम ले सकते हैं, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, तो एक्स वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस थ्री। तो ये एक आइडेंटिटी है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू एक्स की रख दीजिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए एक्स की, एक्स की वैल्यू रखते ही ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इस साइड रखे इस साइड रखे। तो ये आइडेंटिटी है, ये साइड अगर आप कोई भी रख के देख लीजिए, यहाँ पर वन रख के देख लीजिए, वन रखते हैं, चलिए वन, वन माइनस नाइन माइनस एट, रखिए वन, वन माइनस थ्री और वन प्लस थ्री, वन माइनस थ्री कितना होता है माइनस टू, वन प्लस थ्री कितना होता है फोर, फोर टू एट माइनस एट आ गया ना, इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है अलजेब्रा का उसको समझिए। जो फंडामेंटल थ्योरम होता है अलजेब्रा का, इसका मतलब हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स जिसमें जीरो हो, इसमें कम से कम एक रूट रियल या इमेजिनरी। रियल रूट तो हम ऑलरेडी बात कर चुके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम काफी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपने रूट थ्री प्लस एक्स इक्वल टू जीरो दिया, इस दिस इक्वेशन हैज नो रूट, इस इक्वेशन का रूट नहीं है, इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की बात तो बाद में होगी, ये तो ये जो है इक्वेशन हैज नो रूट, क्योंकि अगर आप देखिए एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम हम इस पे नहीं लगा सकते। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि x टू द पावर सेवन माइनस थ्री एक्स टू द पावर फाइव प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसका कम से कम एक रूट होगा। जैसे ये x प्लस टू है ना, इसका एक रूट होगा x इक्वल टू माइनस टू। अब इसको देख लीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, इसका भी रूट होगा। तो हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो जिसकी डिग्री n है, उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। तो यहां पर जरूरी बात यह है समझने की कि रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने थोड़ा सा एक तरीके से रिवाइज किया कि हम क्या डिग्री मानते हैं, क्या चीज़ होती है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है। और अगली मरतबा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रियल कोएफिशिएंट होंगे और फिर
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरी चीजों के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करेंगे आज रियल कोएफिशिएंट्स की और कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स की। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक मतलब जो डिग्री हो वो मैक्सिमम x टू द पावर 2, ये डिग्री जो है 2 है, a इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो रियल रूट्स आए हमारे, हमने इसको फैक्टराइजेशन से किया, हमने इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से किया। यहाँ पर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रियल कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स रूट की बात करेंगे। जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अब इसमें क्या करें कि दोनों साइड को आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, ए से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें ए से, तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू जीरो, ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर कैसे होगा? अगर आप देखें कि हम यहाँ पर बी स्क्वायर बाय फोर इसको जोड़ें और घटाएं, इसको लाने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स यहाँ पर जोड़ दें, बी स्क्वायर प्लस फोर यहाँ पर भी करना पड़ेगा फिर, और इस ए सी को यहाँ ले जाएं, माइनस ए सी कर दें, तो ये क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर है तो यही आ जाएगा, और ये बनेगा बी स्क्वायर, ये फोर ए सी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर। अब ए एक्स प्लस बी बाय टू दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, यहाँ आएगा, या इस स्क्वायर को यहाँ पर रूट पे लाइए, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय आपका आ गया फोर, ये हो गया। अब इस बी बाय टू के इधर ले आइए, तो ए एक्स हो जाएगा माइनस बी बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर है, तो इसको मैं रूट को यहाँ से ऊपर से करता हूँ और ये फोर को टू कर देते हैं, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू, इस ए को नीचे ले जाते हैं, टू ए हो गया एक्स। तो यहाँ पर इसको करने का तात्पर्य ये था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी तीनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और ए ज़ीरो नहीं है, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा इसी से निकालेंगे, अल्फ़ा उठ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, और बीटा हो जाएगा यहाँ से माइनस, अब पहली बार प्लस लेंगे तो उसके बाद माइनस लेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। अब हम इसको क्या करेंगे, रूट्स को देखिए, जो रूट्स है पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। तो होगा ये कि अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं, अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ, अगर ये जीरो हुआ तो आप देखें, अगर ये जीरो हो गया तो ये चीज़ तो हट गई, अगर इसको जीरो करते हैं तो ये चीज़ हट गई, केवल माइनस बी बाय टू ए आएगा, तो अल्फा भी माइनस बी बाय टू ए और बीटा भी माइनस बी बाय टू ए, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होता है तो अल्फा और बीटा दोनों माइनस बी बाय टू ए होंगे। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, अगर ये जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स माइनस बी बाय टू ए के बराबर होंगे। एक और देखिए, इसमें अगर माइनस ये ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये आपका पॉजिटिव है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब जो अल्फा और बीटा आने वाले हैं वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी अगर ए बी सी, ये ए बी सी को हम रैशनल नंबर बोले, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये एक ही अंडर रूट करके एक ही वैल्यू आएगी, जैसे परफेक्ट स्क्वायर ये आपका फोर है तो टू ही आएगी ना, तो रूट जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर ए बी सी, अगर आप कहें ए बी सी बिलोंग टू आर है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल आपके रूट्स आएंगे और इनडिस्टिंक्ट सेम एक जैसे रूट्स आएंगे, और जहाँ पर आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की बात करेंगे ये आपका पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, राइट।
फिर से मैं समझाता हूं आपको, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ये जो है वो किसको बिलोंग करें, क्यू को, और ये अगर रियल बी ए बी सी इसमें ए बी सी जो है इसमें अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। मैं इसको समझाऊंगा आपको, ये केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक पहले तीसरा आपको रिजल्ट बता देता हूं। तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो कि डिटर्मिनेंट है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, इरेशनल होंगे अनइक्वल होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं ए बी सी अगर क्यू को बिलोंग करते हैं जो रैशनल नंबर है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस ये पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो इरेशनल होंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। जैसे एक रूट आ गया टू प्लस रूट थ्री तो अगला आएगा टू माइनस रूट थ्री, लेकिन ए बी सी अगर इरेशनल नंबर्स हैं और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट जो है ये कॉन्जुगेट पेयर में हो ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस रूट टू एक्स है प्लस फाइव रूट टू है, इसमें जो फाइव और रूट टू है ये इसके रूट्स है लेकिन ये कॉन्जुगेट पेयर नहीं है तो ये भी हो सकता है। एक और रिजल्ट देखिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ये लेस देन जीरो है तब हमारा ये केस बनेगा कॉम्प्लेक्स के लिए, तो रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। जो कॉम्प्लेक्स रूट है इस इक्वेशन के जिसमें रियल कोएफिशिएंट हो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आते हैं, जैसे आपका 2 प्लस 3i है तो अगला होगा 2 माइनस 3i, इस तरीके से आएंगे। लेकिन जब हम ये जरूरी नहीं है जहां पर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हो, जैसे अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 2ix माइनस 1 कह रहे हैं तो ये इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो दोनों i हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए। तो यहां पर मैं एक और चीज यहां पर इंट्रोड्यूस करता हूं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। तो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ध्यान रखिए ए बी सी अब यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए इक्वल टू जीरो नहीं है, तो हमने जैसे देखा था अल्फा कितना आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, बीटा कितना आया था माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो जो रूट्स हैं, अब ये ध्यान रखिए ये जो इक्वेशन में ए और बी है ना, ए और बी और सी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ये जो रूट है ये कॉम्प्लेक्स, इसमें ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और क्योंकि जो ऑर्डर है रिलेशन का ये डिफाइन नहीं है खासतौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इस डिस्क्रिमिनेंट को नहीं दे सकते। लेकिन अगर इक्वेशन, इस इक्वेशन अगर को आप देखें इक्वल टू जीरो को, अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे जो इक्वल होंगे यदि डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जीरो आएगा और अनइक्वल रूट्स आएंगे यदि यही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं तो ये बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आई एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब इसको आप शीत धराशार से भी कर सकते हैं, इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जैसे फैक्टराइज करके करते हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आई एक्स माइनस टू आई एक्स माइनस सिक्स आई स्क्वायर। कैसे आई स्क्वायर लिखा, क्योंकि आई स्क्वायर इज माइनस वन तो इसको आप प्लस बना सकते हैं आई स्क्वायर जोड़ के, तो अब यहाँ करेंगे यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, आई स्क्वायर हमने अपने आप जोड़ा तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस हो गया तो सिक्स आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन होता है और ये माइनस सिक्स होगा। अब इसमें देखें ये दो, इसमें एक्स हम कॉमन ले लें एक्स माइनस थ्री आई आएगा और यहां पर आप माइनस टू आई कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस थ्री आई आएगा, तो इसे इसके जो फैक्टर बने वो है एक्स माइनस थ्री आई और एक्स माइनस टू आई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू थ्री आई और एक्स इक्वल टू टू आई। तो जो रूट है इस इक्वेशन के वो थ्री आई और टू आई है, तो आपको देखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किस तरीके से होता है, शीत धराचार्य से भी कर सकते हैं और बाकी इक्वेशन से भी, बाकी तरीके जो ये फैक्टराइज से भी कर सकते हैं। तो ये आपका रियल कोएफिशिएंट जब हो और कॉम्प्लेक्स अगर नंबर हो
तब किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट से, ये इसका एग्जांपल था।